देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नाहन के डॉक्टर वाईएस परमार पीजी कॉलेज नाहन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर कॉलेज के निजी मीडिया हाउस के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में छात्रों ने रक्तदान किया और लड़कियों ने विशेष रूप से रक्तदान में भाग लिया। रक्तदान शिविर की अध्यक्षता क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोना चौहान ने की और सभी लोगों को रक्तदान में भाग लेने का अनुरोध किया ताकि जरूरतमंद की मदद हो सके। आरटीओ सिरमौर सोना चौहान ने बताया कि रक्तदान के लिए सभी को आगे आना चाहिए ताकि लोगों की मदद हो सके। रक्तदान से अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे इन दिनों नाहन में डेंगू फैला हुआ है, ऐसे में सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए। नाहन से हमारे संवाददाता जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। और इसके लिए बहुत खुशी की भी बात है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन्होंने ब्लड डोनेट किया है। एक्चुअल में हम लोगों को कभी भी किसी इमरजेंसी की या एक्सीडेंट कंडीशन की वेट नहीं करनी होती है कि कब कोई दुर्घटना हो या किसी को ज़रूरत पड़े। हमारे जो ब्लड बैंक्स हैं उसमें हमेशा सरप्लस ब्लड रहना चाहिए और उम्मीद है जिस तरह से नाहन में अभी डेंगू भी काफ़ी फैला हुआ है तो हम लोगों को इसके लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो अपने जो हैं ब्लड प्लेटलेट्स भी डोनेट करें ताकि ज़रूरतमंदों की सहायता की जा सके। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।